यमा और नियम के सहित आसन सिद्ध होने पर श्वास और प्रश्वास जो सामान्य चलता है उसका यदि विच्छेद करना प्राणायाम है। इस प्राणायाम का लक्षण दिया, ये यदि विच्छेद प्राणायाम का लक्षण है और वो किस स्थिति में करना है इसके लिए तस्मिन सति ये कहा था। और 50वां सूत्र में वो प्राणायाम के तीन प्रकार बताया, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। ये देश काल संख्या से इसके दो दीर्घ और सूक्ष्मता को देखा जा सकता है। तो प्राणायाम के जो गति है वो दीर्घ सूक्ष्म के स्वरूप में ही आगे बढ़ना है, इसलिए बाह्य और अभ्यंतर स्तंभ ये तीनों ही देश काल संख्याओं से परिदृष्ट होकर के दीर्घ सूक्ष्म हो जाना चाहिए। कल यहाँ हठ योग के जो प्रसिद्ध प्राणायामों से इसका अंदर क्या है ये भी बताया था, इसका ध्यान में रखना है कि हठ योग का जो प्राणायाम कुंभक संबंधित है और यह बिल्कुल स्वाभाविक स्थिति को लेकर के चल रहा है। मन को एकाग्र करना और मन को शांत करना, एक विषय में स्थित करना इसका उद्देश्य है। तो किसी प्रकार का यहाँ कोई संबंध, मतलब जैसे शरीर आदि के साथ संबंध अथवा उसमें कुछ जोर देना, तो किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती का कोई यहाँ नहीं है। तो जोर जबरदस्ती के बिना साधारण रूप से शरीर आदि संबंध में जैसा प्राण की गति होती है, निष्प्रयास होता है, उस प्रकार यहाँ करने के लिए ये कह रहे हैं। तो दीर्घ और सूक्ष्म करने पर ये प्राण से जितना प्रयोजन हमारे शरीर को हो जाना चाहिए, तो ये भी बताया था कि जितना सूक्ष्म आप करते जाते हैं और दीर्घ करते जाते हैं उतना आप के जो लेंस है, फेफड़ा है, उसको प्राण के शक्ति को अंदर लेने में मदद मिलेगी और उसको उसके जो कार्य है वो भी ठीक से चलेगा। तो इस दृष्टि से इसको करेंगे। अब आगे का जो चतुर्थ प्राणायाम है, यद्यपि ये प्राणायाम में इसको चतुर्थ कहा गया तो भी वो वास्तव में प्राणायाम की प्रक्रिया से अलग है। जिसमें प्राणायाम की कोई प्रक्रिया नहीं, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में भाष्यकार ने यह दृष्टांत दिया था, जैसा गर्म हुआ पत्थर में पानी बूंद गिरने पर जैसे वो शरीर व्यापक हो जा पूरे व्यापक होकर के नष्ट होता है, संकुचित हो जाता है, वैसे प्राण के गति चलने पर वो शरीर व्यापक होकर के नष्ट होता है, वो पता नहीं चलता। तो ये सूक्ष्म गति को चलाने पर ही ये अनुभव होता है। ये कुंभक की वृत्ति में ये अनुभव नहीं होगा, क्योंकि कुंभक की वृत्ति में आप उसको जबरदस्ती रोकना चाहते हैं, सारे प्रयास आपका मन का उसको रोकने में लगता है। तो उसके अपने कुछ प्रक्रिया है, उससे जो परिणाम होगा उसके अलग प्रक्रिया, हठयोग की प्रक्रिया अलग है, किंतु यहाँ उसको नहीं ले रहा है। तो इस स्तंभ वृत्ति में आप जितने समय स्थित रहते हैं, दीर्घ सूक्ष्म स्थित रहते हैं, तो वहीं प्राणायाम की प्रक्रिया लगभग समाप्त होती है। प्राणायाम की प्रक्रिया ये जो
छोड़ना, लंबा करना, दीर्घ करना इत्यादि जो प्रक्रिया है ये चतुर्थ प्राणायाम में नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत काल तक ये पूर्वोक्त तो तीनों प्रकार के प्राणायाम को अभ्यास करने के बाद ये चतुर्थ प्राणायाम स्वतः सिद्ध होने वाला है। इसलिए निरंतर अभ्यास, सही प्रकार के अभ्यास की अपेक्षा है चतुर्थ प्राणायाम। और इस ये वो लक्षण अभी यहाँ कहने जा रहे हैं, ये प्राणायाम का कुछ लक्षण हठ योग के केवल कुंभक के साथ मिलता है, किंतु ये केवल कुंभक नहीं है, ये केवल कुंभक से भी कुछ अलग है। केवल कुंभक का वास्तव में सही लक्षण क्या है वो हठ योग के कोई ग्रंथ में नहीं बताता है, वो कहीं भी हमको उसका सही लक्षण नहीं मिला। वो इतना ही कहते हैं कि केवल कुंभक में आपको प्राण लेना नहीं पड़ता, छोड़ना नहीं पड़ता और रोकना नहीं पड़ता, स्वतः होता होता है, इतना कहते हैं। किंतु यहाँ इनकी प्रक्रिया में ये साफ है कि किस प्रकार ये प्राण इस अवस्था में पहुँचता है। तो यहाँ कोई बाह्य गति, अभ्यंतर गति और विषय का वृत्ति कुछ भी यहाँ आवश्यक नहीं। ये प्राणायाम सूक्ष्म दीर्घ होने पर उसको करते करते स्वतः शरीर में बहुत समय तक शांत रहने का स्वभाव आ जाता है। इसकी प्रक्रिया इसलिए हमने कल विस्तार से बताया था कि शरीर को कितने समय के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचने पर वो ऑक्सीजन जो शरीर की प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल होता है वो यदि शरीर में कोई भी मसल्स का कोई भी अवयव का कार्य तेजी से चल रहा है तो वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होगा। यदि वो अत्यंत शांत है, मन शांत है, दिमाग में हलचल कम है, उसके जो तरंगें वो कम हो गई है तो उसको उतने ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑक्सीजन मुख्य रूप से खून में शक्ति को पैदा करने के लिए चाहिए, एनर्जी पैदा करने के लिए, यह विज्ञान शास्त्र कहता है। तो एनर्जी पैदा करने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें मुख्य एक घटक ऑक्सीजन है। तो अभी आवश्यक एनर्जी आपके पास है तो अधिक वो पैदा नहीं करेगा, क्योंकि अधिक पैदा करके स्टोर करने के लिए व्यवस्था नहीं। इसलिए तो जो सूक्ष्म प्राणायाम करते करते अभ्यास कर दिया शरीर और मन को शांत रखने का, तो बाद में बहुत समय तक, दीर्घ काल तक यानी कई घंटों तक की बात नहीं कर रहे, तो कुछ समय तक शरीर को बिना ऑक्सीजन मतलब बिना प्राणायाम से बिना श्वास को उच्छ्वास करते हुए रहने की अवस्था आ जाती। ये अभ्यास करने वाले को अनुभव में होता है। हम लोग भी यदि ध्यान भजन करते हैं तो हमारे भी अनुभव में ये आता है। कुछ समय तक लंबा प्राणायाम करने के बाद कुछ करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, बिल्कुल आपका मन शांत है। तो यदि मन में कोई प्रकार का हलचल है तो आपका प्राण फिर चलना शुरू हो जाएगा। तो ये स्वतः होने वाले हैं। तो ये प्राणायाम को, ये दीर्घ सूक्ष्म प्राणायाम को करने पर ये जल्दी आपको मालूम होता है, कुंभक प्राणायाम में ये इतना जल्दी नहीं मालूम होता है, वो अधिक काल की अपेक्षा होते हैं, उनकी अपनी प्रक्रिया है अलग। ये विक्षिप्त अवस्था से इधर होने से हृदय गति और दिमाग की गति, शरीर के सारे गति को ये शांत करता है, रोकता है। प्राण की गति धीमी होने पर हृदय के गति भी धीमी होते हैं, और उसी के अनुसार यदि मन शांत है तो यमन यमादि का प्राण पहले अभ्यास किया है तो वो बहुत समय तक शांति अवस्था में रह सकता है। तब जो है आपको प्राण लेना भी नहीं पड़ता, छोड़ना ही नहीं पड़ता। तो जैसा वो छोड़ने के लेने के अवसर आएगा तो भी धीरे से लेने की अवस्था आएगा, क्योंकि ये इसको बिल्कुल सही समझना इसलिए जरूरी है, इससे जुड़ा हुआ है आगे का प्रत्याहार। इनके प्रक्रिया में ये स्थिति में यदि प्राण आ गया तो प्रत्याहार स्वतः हो जाता है, क्योंकि चित्त का स्वरूप अनुकार में प्रत्याहार होता है। तो अभी सूत्र देखिए,
बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः चतुर्थः प्राणायामः, ऐसा चतुर्था ये पुल्लिंग में दिया पूर्व प्राणायाम के साथ जोड़ने। बाह्य अभ्यंतर विषय अक्षेपी, बाह्य विषय बन बाह्य वृत्ति जिसको बाह्य वृत्ति कहा गया, और अभ्यंतर विषय यानी अभ्यंतर वृत्ति, इन दोनों का क्षेप करने पर, क्षेप करना मैंने आसमंदाद क्षेप, पूर्ण रूप से क्षेप कर दिया, क्षेप माने त्याग। तो बाह्य वृत्ति को भी त्याग किया, अभ्यंतर वृत्ति को भी त्याग किया, ऐसे त्याग करने पर चतुर्थः चतुर्थ प्राणायाम होता है। तो भाष्य में कहते हैं देश काल संज्ञा भी बाह्य विषयः परिदृष्टः आक्षिप्तः। पहले देश काल संख्या आदि से गिनती करते हुए आपने मात्रा को देके दीर्घ सूक्ष्म करते हुए दोनों प्राणायाम किए थे, बाह्य वृत्ति अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति तीनों किए थे। उसमें उसको आक्षिप्त कर दिया, मतलब उसको अधिक्रांत कर दिया, छोड़ दिया। तथा अभ्यंतर विषय परिदृष्ट आक्षिप्त उभयथा दीर्घ सूक्ष्म तत्पूर्वको भूमि जयात क्रमेण उभय गति अभावस चतुर्था प्राणायाम। स्पष्ट कह देते हैं कि उभयदा दीर्घ सूक्ष्म, दोनों प्रकार से पहले दीर्घ सूक्ष्म हो गया था और दीर्घ सूक्ष्म पूर्वक स्थिति में रहने पर एक भूमि जयात एक स्तर एक स्थिति प्राप्त होती है। ये भूमि शब्द यहां स्थिति के लिए प्रयोग करते हैं, पहले भी आया चित्त की भूमि में, तो ये भूमि जय हो जाता है, एक स्थिति ऐसे प्राप्त होती है। तो वो स्थिति में क्या है, क्रमेण उभय गति अभाव, क्रमशः दोनों गति का अभाव हो जाएगा। जितने सूक्ष्म से आप प्राण को लेना और छोड़ने का अभ्यास करेंगे तो आपको स्वयं पता चलेगा कि मन को कितना वहां एकाग्र करना पड़ता है। मन एकाग्र नहीं है तो इतने दीर्घ सूक्ष्म प्राणायाम को आप कर नहीं सकते, वो उसका ऊपर नीचे गति गलत हो जाती है। तो जब उसको आपने सिद्ध किया तो ये मन के शरीर के शांति अनुभव के कारण, क्योंकि पहले तो शरीर को आपने स्थिर रखा आसन के द्वारा, फिर मन को इस प्रकार से प्राणायाम के द्वारा स्थिर कर दिया, तब चतुर्थः प्राणायामः उभय का अभाव, दोनों गति का अभाव स्थिति में चतुर्थ प्राणायाम हो गया। तो आवश्यक ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्राप्त हो गया, तो उतने ऑक्सीजन के जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य सारा नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राण के गति को धीमी करने से प्राण लेने छोड़ने के लिए भी जो शक्ति की आवश्यकता है वो भी अभी नहीं है। और इतने में मन शांत हो रखा है, क्योंकि मन के शांत होने के साथ साथ ही ये प्राणायाम के तीनों वृत्ति पूरी होती है, तो इसीलिए भी वहाँ मन की भी गति बहुत कम हो गई। तो ये दीर्घकाल अभ्यास करने को बोलता है। अब बोलते हैं ये दोनों में अंदर क्या है, हमको समझ में नहीं आता स्तंभ वृत्ति और ये चतुर्थ में अंदर क्या है। तो भाष्यकार स्वयं कह रहे तृतीयस्तु विषय आलोचन आलोचितो गत्यभावः। ये तृतीय में दीर्घ सूक्ष्म की आलोचना होती है, विषय के आलोचना माने ये गति वृत्ति को लगा करके आप करते हैं, वहां देश काल संख्या भी परिदृष्ट है तीसरे वृत्ति में जो स्तंभ वृत्ति है, और सकृद आरब्ध एव देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। उसमें सकृद आरब्ध कहा गया निष्प्रयास, उसके बीच में जो स्थिति है उसको आपने देशकाल आदि के द्वारा परिदृष्ट किया। किंतु चतुर्थस्तु श्वास प्रश्वासयोर विषय अवधारणात् क्रमेण भूमि जयात उभय आक्षेप पूर्वको गत्यभावः इति चतुर्था प्राणायाम। तो चतुर्थ में है कि जो आप पूर्व में रेचक पूरक मतलब श्वास प्रश्वास आदि से जो संबंध करके कह रहे थे वो भी समाप्त हो गया, और
उसका एक स्थिति विशेष प्राप्त हो गया, मान देश काल आदि के द्वारा परिदृष्ट मन काम नहीं कर रहा, देश काल आदि के द्वारा देखने के लिए भी मन को कुछ प्रवृत्ति करना पड़ता है, अब नहीं कर रहा है, बिल्कुल शांत अवस्था में, तो ऐसे में उभया आक्षेप पूर्वक हो, दोनों को त्यागते हुए, देश आदि सभी को त्यागा और दोनों प्रकार के प्राण का गत्य भाव स्वतः सिद्ध हो गया। इसलिए ये स्वतः सिद्धि की बात करना है, क्योंकि स्वतः सिद्ध नहीं है तो किसी प्रकार का प्रयत्न विशेष रहेगा, प्रयत्न विशेष आते ही आप श्वास और प्रश्वास करना आरंभ कर देंगे, तो प्रयत्न कुछ नहीं चाहिए, इसलिए चतुर्था प्राणायाम इत्ययम विशेष, ये दोनों में विशेष है। ये पहले वाले तीनों प्राणायाम को आप बहुत समय अभ्यास करेंगे, शांति से इसको अभ्यास करते रहेंगे, तब ये आपको स्वतः सिद्ध होगा। ये पहले कम कम समय में मालूम होता है और धीरे धीरे इसका भी समय बढ़ेगा, जैसे शरीर और मन स्वस्थ रहता है उस हिसाब से इसका समय बढ़ते जाएगा। और ये प्राणायाम जो चतुर्थ प्राणायाम है, ये आगे के साथ भी साधन के लिए अत्यंत उपयोगी है, यदि इसको आप कुछ काल तक भी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब पहले वाला तीन के सहित इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको तुरंत इसका अनुभव होगा, क्योंकि मन कितने सूक्ष्म करके जो चिंतन कर रहा है ये बहुत विशेष है। और जो कुंभकारी प्राणायाम में वहां जबरदस्ती करना पड़ता है, जबरदस्ती जिसका मन इसके लिए रोकता नहीं, ये जो इस प्रकार के प्राणायाम करने के लिए जो मन तैयार नहीं होता है, उस मन के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए वो कुंभ का जबरदस्ती वाला करना ठीक है, क्योंकि तभी तो कम से कम उनको रोकने का अभ्यास हो जाएगा। किंतु जिसको यमादि सिद्ध हो गया, यमनियम के आचार में लगे हुए हैं, तो उसका मन उससे ऊपर उठता है, तो इसलिए ये प्राणायाम का अभ्यास वो कर सकते। अब कहते हैं ये प्राणायाम का फल क्या है, इतना करने पर क्या फल होता है? हाँ, पहले भी हमने कहा कि ये सभी का फल अंतिम तक ले जाते हैं, कि इसका मैक्सिमम क्या फल हो सकता है कोई भी चीज का, अभी आसन का भी उन्होंने क्या फल बताया, तो मैक्सिमम फल तक वो ले जाते हैं। यहां भी इस प्राणायाम के स्थिति में रहने से क्या फल हो रहा है देखिए, वो सीधा वहां तक ले जाएंगे, सत्व शुद्धि का जो विवेक ख्यादि की स्थिति है वहां तक इसको ले जाने में मदद करेगा। तदक्षीयदे प्रकाशावरणम्, ततः मने वो जो चतुर्थ प्राणायाम के अनंतर, प्राणायाम के फल स्वरूप, तो ये यद्यपि सूत्र में ततः तत्र इत्यादि पद का प्रयोग करते हैं, तो भी आपको ये समझना चाहिए पहले वाले सिद्ध होने के बाद दूसरे सिद्धि है, जैसे यम नियम सिद्ध होने के बाद आसन की सिद्धि है, आसन पूरा सिद्ध होने के बाद प्राणायाम की सिद्धि है, ऐसा नहीं है। एक एक में आप अभ्यास करते जाएंगे तो दूसरे के प्राप्ति उसके साथ रहेगा। अभी कल हम कहा था कि ये आसन जो है प्राणायाम से लेकर के समाधि तक सभी में आसन सिद्धि की आवश्यकता है, तब उसी आसन में रहते हुए आप ये प्राणायाम को अभ्यास कर रहे हैं, फिर वो अभ्यास में और स्थिति हो गया तो भी आपको उसमें रहना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं प्राणायाम सिद्ध होने के बाद फिर आसन हिल जाए तो हो गया काम, नहीं होगा। तो आसन सिद्धि तो निरंतर चाहिए, इसका समय भी बढ़ता ही जाना पड़ जाएगा, मतलब बढ़ता ही जाना है, ऐसा करते आपको समाधि तक की स्थिति प्राप्त होने में काल, अभ्यास काल दैर्घ्य होगा, बहुत समय तक करना पड़ेगा, किंतु आसन सिद्धि उसके सहित है। तो आसन सिद्धि होने पर यम नियम को छोड़ना ऐसा भी नहीं है, यम नियम भी साथ में रहता है, तो ये सब साथ में ही रह रहा, यद्यपि पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर अंग करके किया, साथ में रहता है, क्योंकि ये सारे योग के अंग है, तो अंग सहित ही अंगी का अंगी को प्राप्त करते, तो अंगी तो योग है, वो आगे आने वाला, इसीलिए अंग है ये, तो योगांग अनुष्ठान आला शुद्धि क्षय बोला था, तो योगांग है।
तो अब ये प्राणायाम की स्थिति, ये चतुर्थ प्राणायाम जिसको प्राप्त हो गया उसका ये फल है प्रकाश आवरणम क्षीयते, उसका मन शुद्ध हो जाता है, अंतकरण शुद्धि आ जाती है। ये प्रकाश शब्द का अर्थ ज्ञान है, तो ज्ञान का आवरण क्षय होगा। आवरण क्या है? तम और रज, और तम और रज के कार्य और राग द्वेष आदि जो अविद्या आदि क्लेश कहा गया ये सब ही आवरण है। तो ये आवरण धीरे धीरे क्षय होना आरंभ होता है। अब जब इस समय इतने शांति अवस्था में आप शरीर को घंटों तक रखा है, मन को घंटों तक रखा है, बुद्धि को एकाग्र रखा है, तो उसमें क्लेश आदि क्षय होगा कहने के क्या मतलब है? होगा ही, उसमें संशय नहीं, कहने का कोई अलग कहने की आवश्यकता नहीं, अपने आप हो जाएगा। इतने घंटों तक जो शांति से बैठता है वो आकर के फिर अपने राग द्वेष आदि से प्रेरित होकर के विक्षिप्त काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उसका प्रकाश आवरण धीरे धीरे नष्ट होता। तो प्रकाश आवरणम क्षीयते, तो उसके लिए भाष्यकार कहते हैं प्राणायामान अभ्यसतो अस्य योगिनः क्षीयते विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म। यहां यह कर्म शब्द का प्रयोग भाष्यकार ने जानबूझ के किया है, क्योंकि अभी सीधा अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान नष्ट हो गया, अविद्या आदि क्लेश नष्ट हो गया, ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अविद्या आदि कोई भी क्लेश है वो काम करते हैं कर्म के द्वारा, और हमारे शास्त्रों में जो नित्य कर्म में संध्या आदि के साथ अथवा कोई पाप करने से प्राश्चित के लिए प्राणायाम कहा गया है, उसका रहस्य भी आपको इस सूत्र से मालूम हो। वो तो शास्त्रों में कहीं नहीं कहा है कि आपको प्राणायाम करने से आपका पाप कैसा नष्ट होता है। यद्यपि उन्होंने कहा पाप हो गया तो प्राश्चित के रूप में इतनी आवृत्ति प्राणायाम करो, इतना दिन तक करो इत्यादि बहुत सारे प्राश्चित्य विधान में स्मृतियों में है, किंतु वो संबंध नहीं जोड़ा कहीं। पाप आपने और कुछ किया और उसके संबंध में प्राणायाम और कर रहा है, और प्रतिदिन जो प्राणायाम कर रहे वो भी पाप क्षय के लिए कर रहा है। पाप क्या होता है? कर्म होता है। कर्म का जो संस्कार है वही पाप है, और वो जो मन में है वो अविद्या आदि क्लेश के रूप में ही है, किंतु अविद्या आदि क्लेश के रूप में जो पाप है वो पाप का परिणाम ही आप देख सकते हैं, पाप को सीधा नहीं देख सकते। अविद्या आदि का परिणाम को आप देख सकते हैं, अविद्या आदि को कभी आप देख नहीं सकते। राग का कार्य दिखाई पड़ता है तो राग है अनुमान करते हैं, किंतु हम राग के बारे में चर्चा करते रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ता है तो भी चर्चा करते हैं। कैसे करते हैं? आप सोच रहे हैं कि आप राग आदि को जानता है, किंतु असली में नहीं जानता है, राग से होने वाले कार्य को जानता है, अविद्या से होने वाले कार्य को जानता है, द्वेष से होने वाले कार्य को जानता है, अस्मिता आदि, अस्मिता को तो स्वयं अनुभव करते हैं हम, तो इसका कार्य को जानता है, सीधा उसमें हो नहीं सकता है क्योंकि ये भावात्मक है। तो ये कार्य हो रहा है तो ये द्वेष हमारे अंदर है, तो ये कर्म हो रहा है तो ये पाप हमारे अंदर है, ये ऐसी वृत्ति विक्षेप कर रहे हैं तो ये कारण, इसका कारण वृत्ति हमारे अंदर है। इसीलिए ये कर्म जो होता है वो दिखाई पड़ता है, हमको मालूम होता है, इसलिए कर्म को इन्होंने कहा। यही कारण है कि संध्या आदि में पाप क्षय के लिए प्राणायाम को कहा गया, क्योंकि प्राणायाम करने पर मन इस प्रकार का शांत भाव में पहुंचता है, तो शांत भाव में पहुंचने पर वहां वृत्ति जो विक्षिप्त वृत्ति है उसका क्षय होता है, इसलिए उसके कारण वो पाप से आप मुक्त होते हैं, क्योंकि मन जब तक शांत है तब तक कोई पाप कर्म पुण्य कर्म की बात नहीं होती, तो इसीलिए मन को शांत करने के लिए ये प्रयोग में आ सकता है। इसका संबंध का भी बहुत विस्तार करना है, किंतु कभी और समय में विचार करेंगे, किंतु यहाँ सामान्य रूप में विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म क्षीयते का, विवेक ज्ञान के आवरण रूप से जो कर्म है, विवेक ज्ञान को आने नहीं देता है जो कर्म, वो कर्म धीरे धीरे नष्ट होता है, क्योंकि इसका मन के शांत होने के साथ साथ अविद्या आदि कर्म क्लेश नष्ट होते हैं।
इस प्रकार से इसको आप जोड़ सकते हैं। इसके लिए प्रमाण के रूप में ये पंचशिखा आचार्य का दो वाक्य इसमें दिया गया है। महामोहा मयेन इंद्रजालेन प्रकाशशीलं सत्त्वमावृत्य तदेव कार्ये नियुक्ते। बोलते ये महामोह रूप इंद्रजाल जो है ना, ये प्रकाशशील सत्व को आवृत करके आपको सारे कार्य कराता है। तो तदस्य प्रकाश आवरणम कर्म संसार निबंधनम प्राणायाम अभ्यासा दुर्बलम भवति। वो जो प्रकाश आवरण है वो संसार का निबंधन कर्म है, वो प्राणायाम अभ्यास से क्षय होता है, क्योंकि मन शांत होता है। मन को कोई भी वृत्ति से आप तुरंत अपने अंदर खींच सकते हैं, ये गुण होता है। किंतु ये ध्यान रखना, सीधा प्राणायाम करने वाले को नहीं होता है ये सारे पर। किसको होगा? ये बार बार बोलना पड़ेगा, यम नियम सहित जो ये कार्य करेगा उसको ही फल होता है। हाँ, खाली प्राणायाम कोई पुस्तक से पढ़ लिया कर लिया हमारा सारा पाप नष्ट होएगा बोलने से नहीं होगा, बाकी वहां मुख्य पड़ा हुआ है सब। अच्छा, तब बोलता है प्रदीक्षणम च चीयते। कैसे होता है प्रदीक्षण? ये कर्म क्षीण होता है। प्रदीक्षण जैसे आपके मन शांत होते हैं, प्रदीक्षण कर्म क्षीण होता जाता है। इसकी स्तुति बहुत सारे स्मृतियों में, पुराणों में, सब ग्रंथों में मिलता है। एक बार भी किसी की समाधि लग गई तो उतने उनके कितने सारे पाप नष्ट हो गया, ऐसा करके बोलते हैं। तो ये स्तुति इसी के लिए कर रहे हैं इसके संबंध से। तपो न परम प्राणायामा तदो विशुद्धिर्मलानाम दीप्तिश्च ज्ञानस्य। कहते हैं कि प्राणायाम से परम, उससे बढ़कर और कोई तपस्या नहीं जिससे आप अंधकरण की शुद्धि कर सकते हैं, पाप का क्षय कर सकते हैं। इसलिए प्राणायाम परम तप है, ऐसा ये पंचशिखाचार्य का वाक्य है शुद्धि करने के। तो बोलते हैं ये तो ठीक है, प्रकाश आवरण क्षीण होगा, प्रकाश आवरण क्षीण होगा, विवेक ख्याति के लिए मन तैयार हो जाएगा तो ठीक है, अभी आगे क्या होगा? तो बोलते हैं जब प्रकाश आवरण क्षीण होता है, मन शांत हो गया, क्लेश नष्ट हो गया, तो मन एक विषय में स्थिर रह सकता है। तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः। तो वो स्थिति को प्राप्त कर सकता है, इतने सब करने के बाद स्थिति के लिए योग्य हो जाता है। कोई भी विषय में उस मन को आप रखना चाहते हैं, मन रह जाएगा। तो इसके लिए प्रयोजन आगे और एक बताते हैं, ये भी प्राणायाम का प्रयोजन है। इस प्रयोजन को ज्यादा बोला जाता है कि मन एकाग्र करने के लिए प्राणायाम सहायक है, ऐसा बोला जाता है। और यहां एक बात ये ध्यान रखना है, प्राणायाम का अभ्यास ध्यान के ज्ञान के बिना करने से कोई प्रयोजन नहीं है। खाली प्राणायाम आप करते हैं तो उसका प्रयोजन नहीं। प्राणायाम करने वाले को ध्यान क्या है, ध्यान कैसा करना है, ध्यान की क्या स्थितियां होती है, इसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अब जो मैं इसलिए इसको कह रहा हूं, जो हठ योग में की प्रक्रिया से ही आजकल प्राणायाम की प्रसिद्धि है, बहुत प्रसिद्ध है, ऐसा प्रचार भी सभी कर रहे हैं, टीवी आदि में देख करके भी ये लोग प्राणायाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इससे बहुत खतरा भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके शरीर में कुछ शरीर के सामान्य प्रक्रिया को बदल करके ज्यादा आप प्राण के गति को बदल दिया तो मन उसी के अनुसार बदल जाता है। मन बदलने पर मन को एक जगह स्थिर नहीं रखा, मन फिर विक्षिप्त स्थिति में इधर उधर घूमता रहा तो किसी विषय को कहीं पकड़ के कहीं वो अटक जाएगा, आदमी पागल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। प्राणायाम करके मन को एकाग्र करने पर ध्यान में केंद्रित करना ठीक से आना चाहिए प्राणायाम करने वाले को। यदि नहीं है तो वो शक्ति को वो दुरुपयोग करेगा। वो दुरुपयोग करना मतलब उसके वृत्ति कहीं कहीं लग जाएगा। उसी प्राणायाम बहुत करने के बाद लोगों को शक्ति ज्यादा हो जाता है तो वो ज्यादा काम करने के लिए तेजी से भागते हैं, बोलते हैं प्राणायाम करने के बाद काम करने की शक्ति खूब मिल जाती है। यहां तो उल्टा कह रहा है, प्राणायाम करने के बाद मन एकाग्र होता है और धारणा के लिए योग्य होता है कह रहा है, और आपको प्राणायाम करने के बाद ज्यादा काम करने की इच्छा होती है, तो ये उल्टा है ही नहीं। क्योंकि इसका उपयोग को गलत समझा गया है।
ध्यान के बिना प्राणायाम सही नहीं होता है और इसका फल सही परिणाम में नहीं आएगा। स्वास्थ्य रखने के लिए, आपके कफ को दूर करने के लिए इत्यादि के लिए जो करते हैं, इसकी विषय में मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो आसन प्राणायाम जो करते हैं वो तो व्यायाम मात्र होता है, ये व्यायाम वाला प्राणायाम नहीं है। ये जो प्राणायाम बता रहे हैं समाधि की एकाग्रता वाला प्राणायाम, इसलिए व्यायाम वाला प्राणायाम आप नाड़ी शुद्धि करो कुछ भी करो वो सब व्यायाम के लिए होता है, जैसे शरीर में करते हैं वैसे प्राण में करते हैं, जैसे आप दूसरे दूसरी प्रवृत्ति करने पर भी ये सब होता है। तो व्यायाम वाले प्राणायाम और जो स्थिर बैठ करके योग संबंधी प्राणायाम में, योग संबंधी प्राणायाम ध्यान के उद्देश्य से होता है, ध्यान को आगे रख करके आपको प्राणायाम करना, इसलिए आगे इसका फल में ध्यान को बता रहे। अभी देखिए इस स्थिति में पहुंच जाया हुआ मन को आप क्या करेंगे, कहाँ उपयोग लगाएंगे, किसको यहाँ मन क्या स्थिति बनाएगी उसके आगे बढ़ाने के लिए ही बनाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए आपको उसके संबंध में ज्ञान चाहिए, अभी इस मन को हम कैसे प्रयोग में लाए जाए, तो उसके लिए सूत्र है धारणा सुच योग्यता मनस। तो प्राणायाम अभ्यास से मन धारणा करने में योग्य हो जाएगा। धारणा मने ध्रियते इति धारणा, एक विषय में केंद्रित हो जाना धारणा। धारणा का लक्षण अपने आप आगे करेंगे, देशबंधस्य चित्तस्य धारणा। तो एक विषय में केंद्रित हो जाना धारणा है और उस धारणा के लिए ये मन योग्य हो जाता है। जो मन अभी इस प्राणायाम को अभ्यास कर चुका है वो मन धारणा करने में योग्य होता है। देखिए यहां सौदा हो रहा है, प्रत्याहार तक, प्रत्याहार के पहले तक आपका जो प्रयास है, आप जो साधन में प्रयत्न करते हैं वो प्रयत्न की विशेषता में कुछ फल ज्यादा होता है, किंतु प्रत्याहार के आगे जो स्थिति है उसमें प्रयत्न कम है और पूर्व स्थिति के अच्छे होने से ही आगे के स्थिति आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आपके प्रयत्न से सीधा कोई अंदर होने वाला नहीं है। इसमें भी हम लोग गलत करते हैं कि किसी ने बोला कि आप एकाग्र करो, किसी विषय को देकर के एकाग्र करो बोलता है, हम एकाग्र करने के लिए बैठ जाते हैं, विषय का ध्यान करने बैठ जाते हैं, लोग कहते हैं हमको ध्यान उसमें टिकता नहीं, हमारा विषय इधर उधर मन इधर उधर भागता है, ऐसा बोलते हैं, सब लोगों की ये परेशानी होती। ये ऐसे प्रक्रिया को नहीं कह रहे, मतलब असाध्य प्रक्रिया को ये नहीं कह रहे। यदि आप सीधा बैठ के कोई विषय का ध्यान करने गया तो आपको होगा नहीं, वो चंचल जाएगा, भागेगा, क्योंकि वो पीछे के जो है वो आपने अभ्यास किया नहीं, उनको संयमित किया नहीं। आप खाली विषयों में मन को व्यापृत करते रहे, मन को व्यापृत करने का अभ्यास है, उस मन को आप एकदम पकड़ के एक विषय पर एकाग्र करने के लिए कर रहे हैं तो नहीं होता। जैसे त्राटक करते हैं, को त्राटक की विधि है, कहीं कहीं स्थान विशेष में एकाग्र करने की विधि है, बोलते जल्दी लोग उसको पकड़ना चाहते हैं किंतु होता नहीं। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि मन के गति को आपने धीमी करना सिखाया नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि स्थिति तक प्राणायाम के अभ्यास से, आसनादि यम नियम के अभ्यास से आप पहुंचने पर स्वतः ही यहां से मन धारणा के योग्य बनता है। अभी इसमें धारणा का विषय दे सकते हैं, धारणा का विषय बाह्य हो सकता है, आभ्यंतर भी हो सकता है। इसमें साधक के लिए आभ्यंतर विषय ज्यादा अनुकूल है, बाह्य विषय के बाद त्राटक आदि में होता है वो स्थूल अधिकारी के लिए, मंदाधिकारी के लिए और भी जो घटिया है जिनका कोई साधन है ही नहीं, ऐसे अधिकारी के लिए खाली एक जगह मन को रोकना इत्यादि कर सकते हैं, उतना ही प्रयोजन उसको होगा। यहां जो हम धारणा का विषय लेंगे वो अंदर के विषय को लेंगे, हम वृत्ति को लेंगे या बुद्धि के जो कोई एक निश्चय विचार को लेंगे, कोई शास्त्रीय संबंध ज्ञान लेंगे, तो ऐसे कोई विषय है जिससे हमारा सीधा प्रयोजन हो सकता है, ऐसा विषय को लेंगे यहां से होने वाले धारणा। इसमें आपको
मतलब ज्यादा फायदा हो। तो योग्यता मनसाया, देखिए मन शब्द का ही प्रयोग उन्होंने किया, आगे चित्त शब्द का प्रयोग करेंगे। तो मन शब्द, मनुष्य को योग्यता होगा ये कह रहा। मन को कहने से कि मन का क्या अर्थ बताया था, मन क्या है, किसी को पता नहीं है, हैं? हाँ वही है, आप उसको छोड़ा नहीं, मैंने बोला कृपा करके उसको छोड़ देना, विगल संकल्प विकल्प समझे आत्मा तो नहीं है, उस मन के बात नहीं कर रहे, क्योंकि हाँ उससे कोई संबंध है नहीं, संकल्प विकल्प समझे आत्मा से संबंध नहीं। इसलिए बार बार पहले कहता रहा कि कृपा करके जब तक हम इसको करेंगे, पूरे जो पहले जो आपने सीख रखा जो लक्षण को अलग रखना, जो हम लक्षण नया बोलेंगे उसी से काम चलाना, नहीं तो फंस जाते। आप एक बार फंस गया तो मैं भी फंस जाता हूँ, क्योंकि फिर आपको वो बताना पड़ेगा, उसके बिना हमारी बात तो आगे चलेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि दर्शन शास्त्र में यही है कि आप एक दर्शन से दूसरे दर्शन में जाते समय क्या क्या आप दूसरे दर्शन में ले जा रहे हैं, और मैंने इतना पर्टिकुलरली कहा था जब मैं जोड़ने के लिए बोलता हूँ तभी जोड़ना, उसके अलावा नहीं जोड़ना, जोड़ने पर जो है हमारा फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये मन जो है इंद्रिय विषय को संबंध करने वाला मन है, इंद्रिय विषय ज्ञान के लिए जो क्रिया करता है वो एक इंद्रिय विशेष कर्ण विशेष मन है, क्योंकि सांख्य प्रक्रिया में मन इंद्रिय होता है, अंदर इंद्रिय मन को कहा है। हाँ तो इसीलिए ये यहां मन शब्द प्रयोग किया। अब देखिए आपके मन में ये नहीं है, इस अर्थ को लिया नहीं है तो यहां बैठेगा नहीं। अब जो हम पहले करके आया तो इतना तो याद रखना पड़ेगा, नोट लिख लिया तो इसको आगे पीछे पलट के लिखना पड़ेगा, ऐसा खाली बैठेंगे हमको सिद्धि हो जाएगी, योग सूत्र सुनेंगे तो पूरे समाधि लगेगी बोलने से नहीं होता है, पहले बात को ठीक समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ ये धारणा जो करने जा रहे हैं, मन के अलग अलग विषयों से संबंध हटाना ये चाहते, मन का अलग अलग विषयों मन इंद्रियों से पंच इंद्रियों से ज्ञान विषयों के संबंध में वो करेगा, उससे एक विषय के संबंध में मन का विषय लाना चाहते, यही धारणा है, एक विषय के मन को संबंध करके रखना। इसलिए विषय संबंध में होने से उन्होंने मन का प्रयोग किया, और यहां मन का ज्ञान भी नहीं ले रहा, और मन किस में किसके अंतर्गत आएगा, चित्त के अंतर्गत आएगा कि किसके अंतर्गत आएगा, मन चित्त के अंतर्गत है, और मन और किस में आएगा, ये मन वृत्ति के अंतर्गत है। हाँ पहले दो विभाग है चित्त और वृत्ति, ठीक है, उसमें वृत्ति के अंतर्गत है, तो वृत्ति के अंतर्गत इंद्रिय और विषय को संबंध कराने वाले एक विशेष वृत्ति जो चित्त की है वो मन है। तो अब ये विषय और संबंध कराने वाली वृत्ति जब तक काम करेगी अलग अलग में, तब तक क्या है, विषय का अलग अलग संबंध होता रहे, किंतु असली में मन एक विषय को ही एक काल में करता है, यदि भी सारे हमारे इंद्रिय काम कर रहे तो। तो वो मन जो अभी विषय का संबंध करना कर रहा है करते रहता है, तो वो विषय को संबंध करने में केंद्रित हो जाएगा, उसको छोड़ देगा, तो एक विषय का कोई संबंध कराए। इसीलिए यहां धारणा और इसके बाद जो ध्यान हो रहा है, ध्यान में दोनों संबंध है, और बीच में प्रत्याहार है, और प्रत्याहार होने के लिए प्राणायाम से सीधा प्रत्याहार में है, बीच में ये योग्यता धारणा के लिए कहा, प्राणायाम से धारणा की योग्यता मिलेगी, ये धारणा के स्थिति और प्राणायाम के स्थिति के बीच के जो जोड़ है वो प्रत्याहार है। मतलब विषय को छोड़ करके मन चित्त के साथ जुड़ना है, मन के वृत्ति चित्त के साथ लय होना है, विषय का संबंध हो कर रहा है और अभी चित्त के साथ उसको ले आना है, इसके बीच के स्थिति को प्रत्याहार कहते हैं। ये आगे सूत्र में आ रहा है, स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारैव इन्द्रियाणां प्रत्याहारः।
अभी देखिए क्या उन्होंने कहा कि स्व विषय असंप्रयोगे, अब विषय के साथ संबंध नहीं कर रहा है, इसको ध्यान से समझना। ये प्रत्याहार को कैसे, ये प्रक्रिया है, प्रत्याहार कोई विशेष कर्तव्य नहीं है, ये धारणा और प्राणायाम के चतुर्थ स्थिति के अंदर की प्रक्रिया है। क्योंकि इसलिए उन्हें पूर्व सूत्र में धारणा की योग्यता मनसा कहा। तो मन को धारणा में योग्यता करने से क्या करना पड़ेगा आपको, विषय से मन को हटाना पड़ेगा, मन विषय से विषय संपर्क करना छोड़ देना पड़ेगा, तब एक विषय में स्थित रह सकता है, एक में स्थिर रहेगा। तो बोलते हैं स्व विषय असंप्रयोगे, जब इंद्रियां अपने विषय के साथ संबंध नहीं कर रहे, संप्रयोग माने संयोग और असंप्रयोग माने असंयोग, इंद्रिय विषय सन्निकर्ष है किंतु संबंध नहीं कर रहा, विषय का इंद्रिय का संबंध होने नहीं होने का अर्थ है वहां काम मन का नहीं हो रहा। विषय और इंद्रिय का सान्निध्य है, रूप आपके सामने है, चक्षु भी है, खुली हुई है, किंतु दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि मन वहां काम नहीं कर रहा। यही मनसो लिंगम करके न्याय सूत्र भी दिया था उस समय, तो मन है करके प्रमाण भी इसी से सिद्ध होता है। इंद्रिय विषय संपर्क होने पर, जिसके रहने पर ज्ञान होता है, जिसके नहीं रहने पर ज्ञान नहीं होता है, वो मन है। तो अभी विषय का संप्रयोग हो गया, स्व विषय का संप्रयोग हो गया, तो अभी क्या हो गया, मन वहां से हट गया, मन काम नहीं कर रहा, तब वो मन कहां जाएगा और वो विषय के इंद्रिय के संबंध कहां जाएगा। बोलता है चित्तस्य स्वरूपानुगार इव, तो वो मन और इंद्रियां चित्त के स्वरूप को अनुकरण करने वाला जैसा बन जाएगा। चित्त का स्वरूप है संस्कार मात्र, और चित्त का स्वरूप है स्वच्छ शांत सात्विक। स्मृति रूप नहीं है, स्मृति रूप चित्त के बात यहां नहीं कर रहे, यहां कई लोग इसी अर्थ में चित्त को लिया, ये स्मृति रूप बन जाएगा बोलना चाहता, तब तो वो योग प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। स्मृति में विषय तो सब स्थूल रहता है, उसमें स्मृति के संबंध नहीं कर रहा है, ये चित्त का स्वरूप अनुकार हो जाएगा, क्योंकि चित्त से ही ये वृत्ति उठी थी, वो वृत्ति ही इंद्रिय संपर्क करने गया तो मन बना था। अभी इंद्रिय विषय संबंध नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा आपने धीरे धीरे मन को वृत्ति को शांत कर दिया, शरीर आदि शांत है, अभी कुछ विषय प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, इसके कारण अब वो मन चित्त कहां जाएगा और मन और इंद्रिय कहां जाएंगे, तो जहां वो उसका स्वरूप है, क्योंकि वो चित्त के साथ ही जुड़े हुए, चित्त से तो वो काम कर रहे थे, तो चित्त उसका मूल चीज है, तो उसमें जाएगा। तो वो जाने की जो प्रक्रिया है बीच में, उसको आप प्रत्याहार कहते। तो यहां इस ये लगभग अर्थ आने वाले बहुत सारे श्लोक भगवद गीता में है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरदि प्रज्ञा वायुर्नाभिम्बसी। तो वहां इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, तो इंद्रिय चरते हुए मन जब संबंध करता है तब वो मन को खींच करके बाहर ले जाता कहता है, ठीक उसके विपरीत प्रक्रिया है। जब आपने ध्यान के एकाग्रता के द्वारा मन को शांत कर दिया तो वो बाह्य विषय को संबंध करना छोड़ देगा, तो वो धीरे धीरे चित्त में समाहित हो जाएगा। चित्त में समाहित होने का मतलब समुद्र में जैसा तरंग समाप्त होता है तो समुद्र रूप ही हो जाना है, ये प्रक्रिया है। तब स्वरूप अनुकार इव कहा, स्वरूप में ही हो गया ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि पहले से वो स्वरूप वही था उसका, तो स्वरूप का अनुकरण करते हुए, अनुकार मन अनुकरण, चित्त स्वरूप को अनुकरण करते हुए। चित्त स्वरूप क्या है, चित्त का सत्व अंश, ये उसका स्वरूप है, तो सात्विक उसका गुण है और स्थिर उसका गुण है, चित्त में कोई चंचलता नहीं होता, तो इंद्रियाणाम प्रत्याहार, वही इंद्रियों का प्रत्याहार, यही असली में प्रत्याहार की प्रक्रिया में होता है।
खाली आप प्राण को पकड़ के बैठा या फिर किसी विषय को त्राण करते हुए प्रत्याहार किया, इनमें सब प्रत्याहार नहीं होता है, क्योंकि चित्त के अनुकार नहीं कर रहा है। जब तक मन चित्त का अनुकार नहीं करेगा, मन विषय अनुकार करेगा, विषय अनुकार करेगा तो वो बदलता ही रहेगा। आप त्रागण का आदि क्रिया करते समय चित्त का अनुकार मन नहीं कर रहा, वो बाह्य विषय का अनुकार कर रहा, विषय इंद्रिय के संपर्क में दृष्टि आदि का संबंध कर रहा, उससे एक प्रकार से आपको मन को रोकने की शक्ति तो आ जाती है, अभ्यास हो जाता है, किंतु वो प्रत्याहार के फल में नहीं आएगा, वो विषय में भागता है, आपको चंचल करता है। अब शांत करने से ही वो पीछे आ सकता है, जब शांत होता है, जब जब मन शांत होता है तब वो पीछे आता है, इसका उदाहरण सुषुप्ति ही है। तो इस प्रकार वो आ जाएगा, ये प्रत्याहार का। प्रत्याहार माने प्रति, स्वम विषयम प्रति अथवा चित्तम प्रति आह्रियते आकर्षणम करोति इति प्रत्याहार, ये प्रत्याहार शब्द का अर्थ है। प्रति माने चित्तम प्रति, स्वम प्रति, स्वम चित्तम प्रति आह्रियते खींचा जाता है, ग्रहण किया जाता है, इसलिए वो प्रत्याहार, उसके अंदर में प्रत्याहार की बात कहा। तो इसको भी भाष्यकार ने संक्षेप में बता दिया और एक उदाहरण देता है, ये प्रत्याहार कैसे सिद्ध होता है, कैसे मालूम होगा। बोलता है ये जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी के गुट में एक मुखिया है जिसको रानी बोलते हैं, क्योंकि वो उसमें मादा होती है, मक्खियों की मादा है। तो वो मक्खी जिस गुट से उड़ करके दूसरे गुट में जाकर के बैठ जाती है, दूसरी जगह जाके बैठ जाती है, तो सारे अन्य मक्खियां उसके साथ उड़ करके वहां जाके बैठ जाती है। और जिस विषय में कहीं भी मन लगाना चाहता है, कई भी विषय को मन पढ़ लेता है, तो सारे इंद्रिय उसके साथ जाता है। पहले क्या कर रहा था, जब इंद्रिय बाहर विषय को पकड़ रहा था तो मन उसके पीछे वायु नाभिवाम फंसी जा रहा था, यहां अभी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वो वापस इस तरफ आ गया है, चित्त के तरफ है। इसीलिए मन में जो वृत्ति लाना चाहते हैं या मन जिस विषय के साथ संबंध करना चाहते हैं, सारे इंद्रियां उसी में ही आ जाते हैं, वो मन के वश होते हैं। इसको कठोपनिषद आदि में कहा गया है। तो ये मन के वश होने पर उसको वश में किया, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये मक्षिका का दृष्टांत दिया। तो वो जैसा वो प्रवेश करती है दूसरे जगह पे, तो सारे मक्खी वहां जाके बैठ जाते और वहां से उठ जाती है तो सारे उसके साथ उठ जाते। तो मन के वशीभूत होने का अर्थ यही होता है। अब वो मन के वशीभूत होने पर सारे इंद्रियां भी वशीभूत हो जाएंगे, तो ये स्थिति में आप कोई भी विषय में कभी भी ध्यान कर सकते हैं, कोई भी विषय को कभी भी छोड़ सकता है, कोई भी विषय को पकड़ सकता है। तो ये पूर्व सूत्र और उत्तर सूत्र का एक ही अर्थ है, दोनों वास्तव में मतलब एक ही चीज का ये बोल रहा है, उसका ही हम विस्तार बोल रहा है। यह थोड़ा मतलब ये क्या परम इंद्रियाणाम प्रत्याहार कहा, इंद्रियाणाम प्रत्याहार क्या है इसको दूसरे शब्द में बोला, तद परमावश्यदेन्द्रियाणाम तो ये प्रत्याहार के प्रक्रिया पूरे होने पर क्या फल मिलता है, इंद्रियाणाम परमावश्यता, इंद्रियों के परम वश्यता प्राप्त होती है। वश्यता माने अधीनता, स्वाधीनता, सो अपने में आप अधीन कर सकते हैं। जब ये प्रत्याहार को प्रत्याहार की प्रक्रिया पूरी हो गई तब तो इंद्रिय फिर आप आपके बिना, ये मन के अनुमति के बिना, आप चाहे बिना कभी प्रवर्तित नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आ जाता है। यहां परम वश्यता इंद्रियाणाम कहा, तो परम वश्यता में ये परमत्व क्यों कहा, इसका मतलब और भी किसी प्रकार की वश्यता है। एक को श्रेष्ठ कहा जाता है तो उससे क्या होता है, उसका कनिष्ठ भी होता है। ज्येष्ठ कहा जाता है तो कनिष्ठ होता है, श्रेष्ठ कहा है तो निकृष्ट होता है। तो उसके दृष्टि में रख करके श्रेष्ठ कहा जाता है,
तो यहां परमा कहा तो उसका और क्या क्या स्थिति है बोलते हैं, बोलते हैं कई लोग इंद्रिय वश्यता को अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं, वो सब गलत है। ये सब नीचे स्तर के इंद्रिय वश्यता है। इंद्रिय वश्यता करने के लिए अलग उपाय है, जैसा कोई उपवास करता है, उपवास करने पर आदमी कमजोर हो जाता है तो इंद्रिय वश में आ जाता, कोई इंद्रिय ताकत नहीं है काम करने की। कोई कोई इंद्रिय निग्रह नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, कुछ दवाई दवाई बना के खाते हैं। आयुर्वेद में सिद्ध में सब बहुत सारे दवाई है, ये कोई भी दवाई खाएंगे तो इंद्रिय में वश्यता आ जाए, इंद्रिय का हलचल कम पड़ेगा, ऐसे भी दवाई खा करके भी वश्यता करते हैं। और भी कई कई प्रकार है वश्यता करने का, जबरदस्ती करना या आंख में पट्टी बांध लेना, ऐसे ऐसे एक एक इंद्रिय में, कान में, जैसा कई लोग बोलते हैं कि हम ध्यान में बैठते वक्त हमको शब्द सुनने से डिस्टर्ब होता है तो इतनी इतनी मोटे जो है रुई बना करके कान में रख देते। अब हमने जो शहरों में कई लोगों को देखा, अब मैंने देखा कई लोग इतने इतने मोटे मोटे रख रहे हैं, तो हमको तो थोड़ा सा रखने से कुछ समय में गर्म लगता है, कैसे रख रहा है। उनको पूछा हमने एक बार तो बोलता है आपको जानता नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। हमने बोलता कौन सा डिस्टर्ब, नहीं इतने सारे आवाज चारों तरफ हो रहा है, हमको तो ध्यान लगता है नहीं, इसलिए हम ध्यान में एकाग्रता के लिए ये कान में ये भर के रखते। अब आप कहां तक करेगा भाई, तो कितने कहां तक आप कहां किसको रोकेंगे। तो कान को शब्द सुनने से बचाना है तो कान में जो इंद्रिय है उसको वहां से हटाना पड़ेगा। आप बाहर से रुई भर के रखने से नहीं होगा, वो तो उसमें का कितना अच्छा है कि धूल गंदगी आदि नहीं चले जाएगा, इतना फायदा है, किंतु इंद्रिय वश्यता उससे नहीं होता। दवाई खाने से इंद्रिय वश्यता नहीं होती है, उपवास करने से इंद्रिय वश्यता नहीं होती। इसलिए अनेक प्रकार की इंद्रिय वश्यता लोग बाहर में कहे जाते हैं, तो उनमें ये वश्यता ही असली वश्यता है दिखाने के लिए भाष्यकार कह रहे, क्या कह रहे देखिए। कुछ लोग कहते हैं शब्दादिशु अव्यसनम इंद्रिय जयः इति, वो कहते हैं कि शब्द आदि से इंद्रिय को वश करना मतलब शब्द आदि में व्यसनता नहीं होना। व्यसन मतलब क्या, शक्तिर व्यसन उसका अर्थ करते हैं, इंद्रिय आदि में सक्त नहीं होना, इंद्रिय विषय में आसक्त नहीं होना परम वश्यता, मतलब इंद्रिय जय है, इंद्रिय विषय में आसक्त नहीं है। ये कुछ लोग ऐसा कहता है, अविरुद्धा प्रतिपत्तिर न्याया शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छया इति अन्य। कुछ लोग इंद्रिय वश्यता की व्याख्या ऐसा करते हैं, वो कहते हैं शास्त्र अविरुद्ध विषयों को प्राप्त करने से इंद्रिय दोष नहीं माना जाएगा, शास्त्र विरुद्ध विषयों को प्राप्त करना ही इंद्रिय दोष है, शास्त्र अविरुद्ध विषयों को प्राप्त करना न्याय है, इंद्रिय दोष नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो अविरुद्धा प्रतिपत्तिर न्याय, प्रतिपत्ति माने शास्त्र विरुद्ध जो विषयों को प्राप्त करना, ये न्याय है। शब्दादि संप्रयोग उसके शब्दादि संबंध कर सकते हैं, स्वेच्छया इति अन्य, अपनी इच्छा से शास्त्र से विषयों को प्राप्त करो तो उसमें कोई इंद्रिय सब ठीक है, ये एक दूसरे पक्ष है। तीसरा पक्ष बोलता है क्या है, राग द्वेष अभावे सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम इंद्रिय जयः इति केचित। कुछ लोगों को कहना है कि राग द्वेष अभाव है, राग द्वेष नहीं रहने पर सुख दुख शून्यम, सुख दुख शून्य हो जाएगा, क्योंकि अभी राग द्वेष है नहीं, किसी से सुख दुख शून्य हो जाएगा। तो शब्दादि ज्ञानम, तब शब्दादि विषयों को प्राप्त करना, मतलब सुख दुख के रहित, राग द्वेष के रहित आप शब्दादि विषयों को प्राप्त करो तो वो इंद्रिय जय है कहता। ये कोई भी सही नहीं है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। आप कोई विषय को प्राप्त करें उसमें राग के बिना विषय को प्राप्त करें फिर वो इंद्रिय जय हो जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके प्रक्रिया में अंदर है। इसलिए बोल रहे ये मन, हम सोचते हैं मन में राग को हटाया जाए, मन को राग हटाने पर फिर विषय को प्राप्त किया जाए, वहां क्या होता है, मन राग को हटाने में लगेगा या विषय को प्राप्त कराने में लगेगा, क्योंकि विषय को प्राप्त कराने के लिए मन चाहिए, और आप उसी मन को कह रहे हैं राग को हटा दो भी, वो परेशान हो जाएगा बेचारा, वो विषय को प्राप्त करने जा रहा है, बोलता है नहीं खाओ। जैसा किसी को शुगर की बीमारी हो गया, उसके सामने लड्डू को रख दिया और बोला कि फिर लड्डू आपके सामने है किंतु आप खा नहीं सकते,
ऐसा बोल दिया तो क्या स्थिति होती है, वो स्थिति मन के भी होते हैं, मन परेशान हो जाता है, राम के बिना हम कैसे विषय को प्राप्त करेगा भाई, वो पूछेगा, तो हम इसी के लड़ाई में लग जाते हैं। इसीलिए ये सब प्रक्रिया ठीक नहीं, इसमें कई दोष है इन तीनों प्रक्रिया में। इसीलिए कहते हैं कि यही हमारा जो प्रक्रिया ठीक है, योग की प्रक्रिया। योग के बहुत बड़े एक आचार्य थे, यज्ञेश्वर उनका नाम था, उन्होंने इस प्रक्रिया को कहा, क्या कहा, चित्त एकाग्र्या अप्रतिपत्तिरेव इति यज्ञेश्वर। चित्त एकाग्र होने पर इस प्रकार से परमावश्यकता जब चित्त की प्राप्त हो गई तब आप विषय को प्राप्त नहीं करते हैं, वही परम वश्यता है, वही श्रेष्ठ वश्यता है इंद्रियों की। चित्त एकाग्र किए बिना आप कितने भी प्रक्रिया से इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करो, सफल नहीं होता है और वो चलता ही रहता है। इसलिए चित्त एकाग्र्याद, इस प्रकार की चित्त एकाग्रता होने पर अप्रतिपत्ति ही, विषयों की अप्रतिपत्ति ही इति जयगीशव्या, यज्ञेश्वर आचार्य ऐसा कहते हैं, यही परमावश्यता इंद्रियाणाम करके परम विशेषण उन्होंने लगा दिया। अब बाकी तीनों जो है अपरम है, श्रेष्ठ नहीं। तदा परमानित्यं वश्यता ये चित्त निरोधे निरुद्धानि इंद्रियाणि न इतर इंद्रिय जयवत प्रयत्न कृतम उपायांतरम अपेक्षते योगिनः इति। दूसरे लोगों को बार बार प्रयत्न करना पड़ता है इंद्रिय से विषय को रोकने के लिए। शुगर की बीमारी हो गया, मीठा नहीं खाओ बोलता है तो भी मीठा देखने पर खाता है, बोलता है बाद में गोली खा लेंगे, बिल्कुल वश्यता नहीं है, क्योंकि वो निश्चय किसको करना था, मन नहीं कर सकता है उसको, वहां से उसके मन के पीछे जो है उसको वहां से आदेश देना है, वो करना है, क्योंकि मन तो इंद्रिय विषय को जब देखता है, मन का काम तो वो इंद्रिय का मदद करना है विषय को पकड़ने के लिए, वो तो विषय को पकड़ेगा तो वो रोक नहीं पाता है, तो फिर उपायांतर सोचते। इसलिए बोलता है कि निरुद्धान ये चित्त निरोध है, निरुद्धान इंद्रियाणि, चित्त निरोध होने पर इंद्रिय जैसा निरुद्ध हो जाता है, यही परम निरोध है, इसी को आप इंद्रिय जय समझ लो, बाकी कोई इंद्रिय जय के ऊपर भरोसा मत करो। तो इंद्रिय जय नहीं हो रहा है तो चित्त एकाग्रता अभ्यास करो। ये इस प्रकार से साधना निर्देशो नामा द्वितीय पाद है।